टेन ऑन टेन पेश करते हैं भारत की 10 सबसे बड़ी दवा कंपनियां। हेलो दोस्तों, 10 ऑन 10 में आपका स्वागत है। आज हम नजर डालेंगे भारत की 10 सबसे बड़ी दवा कंपनियों पर। ये वीडियो बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप आए हैं इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह पर क्लिक जरूर कर लीजिए। नंबर 10, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड। भारत की 10वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी है एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसकी स्थापना साल 1973 में कंपनी के संस्थापक श्री संप्रदा सिंह जी ने की थी। एल्केम लैब्स का मुख्यालय मुंबई शहर में है। एल्केम की क्लेवेम, प्रेगाकैम, लिवोर्ब और ए टू जेड दवाइयां इस कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां हैं। एल्केम को साल 2020 में बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल की फील्ड में बेस्ट वर्कप्लेस का अवार्ड भी मिल चुका है। एल्केम लैब में काम करते हैं 15,000 कर्मचारी। नंबर 9, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। 9वें नंबर पर है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसकी नींव साल 1952 में रखी गई थी। कैडिला हेल्थ केयर के संस्थापक श्री रमन भाई पटेल जी हैं और इस कंपनी का मुख्यालय अहमदाबाद में है। कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में मुख्य हैं लिपाग्लिन, ओक्सेलजिन और लेवोडे। साथ ही कैडिला का जायकोव डी नाम की कोरोना वैक्सीन में भी अहम योगदान है। सीएमओ एशिया द्वारा कैडिला हेल्थ केयर को साल 2019 में ब्रांड लीडरशिप अवार्ड और बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड मिला था। कैडिला में 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 8, ल्यूपिन लिमिटेड। 8वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है ल्यूपिन लिमिटेड। ल्यूपिन ने साल 1968 में काम करना चालू किया था और इस कंपनी की उपलब्धियों में कंपनी के संस्थापक श्री देशबंधु गुप्ता जी का अहम योगदान है। ल्यूपिन का मुख्यालय मुंबई में है। बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स की तो ल्यूपिन का सॉफ्टोवैक, ओरकेल और मिसोबिट सबसे ज्यादा बिकता है। 2020 में क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया ने ल्यूपिन को पार एक्सीलेंस अवार्ड दिया था। इस कंपनी में 21,000 कर्मचारी काम करते हैं। नंबर 7, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को मिला है 7वां स्थान, जिसकी स्थापना श्री यूएन मेहता जी के द्वारा साल 1959 में हुई थी। टोरेंट फार्मा का हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। टोरेंट फार्मा द्वारा बनाई जाने वाली यूनि एंजाइम, शेल केल और एमवॉइड सबसे ज्यादा पॉपुलर दवाइयां हैं। साल 2017 में बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन द्वारा मिडल वेट कैटेगरी में टोरेंट फार्मा को 5 सबसे तेज आगे बढ़ने वाली कंपनियों की सूची में शुमार किया गया था। 15,000 कर्मचारी टोरेंट फार्मा में कार्यरत हैं। नंबर 6, बायोकॉन लिमिटेड। 6वें नंबर पर है बायोकॉन लिमिटेड, जिसने साल 1978 में काम करना चालू किया था। बायोकॉन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कंपनी की संस्थापक श्रीमती किरण मजुमदार शॉ जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बायोकॉन का कामकाज इसके बेंगलोर के मुख्यालय से संचालित होता है। बायोकॉन की इंसुजेन, बसालॉग और बायोमैप दवाइयां सबसे ज्यादा बिकती हैं। आईडीएमए ने साल 2020 में बायोकॉन को बेस्ट बायोटेक पेटेंट अवार्ड से नवाजा था। बायोकॉन में कर्मचारियों की कुल संख्या 11,000 है। नंबर 5, औरबिंदो फार्मा लिमिटेड। 5वें स्थान पर है औरबिंदो फार्मा लिमिटेड, जिसका कामकाज साल 1986 में शुरू हुआ था। औरबिंदो फार्मा को श्री पी वी राम प्रसाद रेड्डी और श्री के नित्यानंदा रेड्डी जी ने बुलंदियों तक पहुंचाया है। औरबिंदो फार्मा का मुख्यालय हैदराबाद में है और इस कंपनी की मुख्य दवाइयां हैं सेफ्डिनिर, कोएक और एमोक्सिलिन। साल 2019 में औरबिंदो फार्मा को ग्लोबल जेनरिक्स एंड बायोसिमिलर्स अवार्ड में कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया था। औरबिंदो फार्मा में 21,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। नंबर 4, सिप्ला लिमिटेड। अब बात करते हैं 4थे नंबर पर आने वाली कंपनी सिप्ला की। सिप्ला को साल 1935 में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हामिद जी ने स्थापित किया था। सिप्ला का मुख्यालय मुंबई में है। सिप्ला की आने वाली कॉपसिल्स, निकोटेक्स और ओमनी जेल का नाम शायद आपने जरूर सुना होगा। सिप्ला को साल 2019 में अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। सिप्ला में काम करने वाली कर्मचारियों की संख्या 24,000 है। नंबर 3, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। 3रे नंबर पर है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसकी नींव साल 1984 में
डॉक्टर के एन जी रेड्डी जी के द्वारा रखी गई थी। डॉक्टर रेड्डीज का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की सबसे लोकप्रिय दवाइयां हैं ओमेज, नाइज और स्टेमलो। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स को साल 2019 में ग्लोबल जेनरिक्स एंड बायोसिमिलर्स अवार्ड में एपीआई सप्लायर ऑफ द ईयर चुना गया था। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में 22,000 कर्मचारी काम करते हैं। नंबर दो, दिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। दूसरे स्थान पर है दिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसकी स्थापना साल 1990 में हुई थी। इस बुलंद कंपनी को डॉक्टर मुरली के दिवी जी ने अपने लगन और परिश्रम से खड़ा किया है। दिवीज लेबोरेटरीज का हेड ऑफिस हैदराबाद में है। बात करें इस कंपनी के कामकाज की, तो ये कंपनी दवाइयां नहीं बल्कि दवाइयों की सामग्री बनाती है और दूसरी फार्मा कंपनियों को सप्लाई करती है। दिवीज लैब्स को साल 2018 में बेस्ट मैनेजमेंट के लिए मे डे अवार्ड मिला था। इस कंपनी में 12,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। नंबर एक, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहले पायदान पर है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने साल 1983 में काम करना चालू किया था। सन फार्मा के संस्थापक हैं श्री दिलीप शांघवी जी और इस कंपनी का मुख्यालय माया नगरी मुंबई में है। रिवाइटल, बोलिनी और पेपफिस इस कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से साल 2018 में सन फार्मा को बेस्ट सीएसआर प्रैक्टिसेस का अवार्ड मिल चुका है। सन फार्मा में काम करते हैं 33,000 कर्मचारी। आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये कमेंट में जरूर बताएगा। कमेंट करने के बाद स्क्रीन पर आ रहा अगला वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।